का स्वागत है आपके अपने एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। आप लोग कैसे हैं? आशा है कि स्वस्थ और मस्त होंगे। इस वीडियो में क्लास 10th सब्जेक्ट सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, एग्जाम से पहले इसको आप लोग जो है अच्छे से रिविजन कर लीजिएगा, इसको अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों इससे जो है कई सारे क्वेश्चन आपकी बोर्ड की परीक्षा में 100% जो है टच होने वाला है। बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट आपकी बोर्ड की परीक्षा में देखने को मिलने वाला है। तो सभी छात्र जो है इस वीडियो में बताया गया सभी क्वेश्चन और आंसर को आपने जो है कॉपी में नोट कर लीजिए और एग्जाम से पहले इसको अच्छे से रट लीजिएगा। और सभी से भी निवेदन करना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ जो है बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, यह जो है आप लोगों का पार्ट 3rd है, पार्ट 1 और पार्ट 2 जो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो उस वीडियो सेशन में जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा, ताकि उसमें से भी आप लोगों को काफी ज्यादा हेल्प मिल सके। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन आपका 81 नंबर दिया गया है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई। तो इसका आंसर रहेगा खूनी नीति जो है अपनाई है। 82 नंबर है कि सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। तो इसका आंसर रहेगा रूसो। ठीक है, अगला है चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किस पार्टी का गठन किया। तो इसका आंसर रहेगा स्वराज पार्टी का जो है गठन किया था। अगला प्रश्न है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका आंसर जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू या पंडित नेहरू कह सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न 85 नंबर दिया गया है कि ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था क्या थी। तो ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था जो है युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था थी। ठीक है, तो इसको आप लोग जो है कॉपी में नोट करके याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न 86 नंबर है कि आलू अकाल किस देश में हुआ था। तो दोस्तों, यह जो हुआ था आयरलैंड में हुआ था। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न 87 नंबर है कि कोशिश कौन थे। तो कोशिश जो है बुनकरों का एक समुदाय था। ठीक है, याद रखेंगे, कोशिश जो है वो बुनकरों का एक समुदाय को कोशिश कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न 88 नंबर दिया गया है कि इंग्लैंड का कौन सा नगर फिनिशिंग सेंटर के रूप में विकसित हुआ था। तो विकसित कौन सा हुआ था, तो लंदन हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, लंदन हो जाएगा। अगला प्रश्न 89 नंबर है कि ज्योतिबा फुले ने 1871 में जाति प्रथा के अत्याचारों पर कौन सी पुस्तक लिखी थी। तो इसका आंसर रहेगा गुलाम गिरी जो है पुस्तक का नाम था। ठीक है, तो गुलाम गिरी आप लोग याद रखेंगे। अगला 90 नंबर है कि केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन जो है किसने किया था। तो इसका आंसर रहेगा बाल गंगाधर तिलक ने की थी। अगला प्रश्न है कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। तो इसका आंसर आपको याद रखना है कि और नवीकरणीय योग संसाधन है। ठीक है, लौह अयस्क जो है और नवीकरणीय योग संसाधन है, और अलौह कहेगा तो और लौह कहेगा तब याद रखना है नवीकरणीय योग संसाधन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 92 नंबर है कि जिस भूमि पर खेती की जाती है उसे कहते हैं। तो उसी जो है कृषि योग्य भूमि कहते हैं। इसको आप लोग याद रखें, काफी इजी सब होगा, आप को भरसक याद होगा बच्चों। और आप मुझे कमेंट करके यह भी बताइएगा कि आपको जो है इसमें से कितना क्वेश्चन जो है ऑलरेडी पता है। अगला प्रश्न देखिए दिया गया है 93 नंबर कि वन विभाग के अनुसार कुल वन क्षेत्र का एक तिहाई हिस्सा किस वन का है। तो इसका आंसर आएगा रक्षित वन का है। ठीक है, अगला है प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद जल दुर्लभता कैसे होती है। तो दोस्तों, इसका आंसर देना है कि औद्योगिक कचरा और रसायनों से जल की गुणवत्ता में कमी होना, ये जो है जल दुर्लभता का एक महत्वपूर्ण जो है कारण है। इसको आप लोग अच्छे से कॉपी में नोट करके याद कर लीजिए। अगला प्रश्न 95 नंबर है कि सरकार कौन सी घोषणा फसलों की सहायता देने के लिए करती है। तो इसका आंसर जाएगा न्यूनतम सहायता मूल्य योजना। ठीक है, अगला है 96 नंबर किसके साथ ऑपरेशन फ्लड लागू हुआ। तो इसका आंसर रहेगा श्वेत क्रांति के साथ जो है यह ऑपरेशन फ्लड को जो है लागू किया गया था। अगला प्रश्न 97 नंबर है कि मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा थोरियम जो है खनिज पाया जाता है। अगला प्रश्न 98 नंबर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा, 98 नंबर सवाल है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और ये रिपीटेड क्वेश्चन भी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है कि कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं को उत्पादन को देता है। तो इसको हम लोग कहते हैं विनिर्माण कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, उसे विनिर्माण कहते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा उद्योग विभाग कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है। तो उसको उसका आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग जो है ये विभिन्न प्रकार के जो है कंप्यूटर और जो संयंत्र होते हैं उसका निर्माण किया जाता है। तो आपको याद रखना है इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कौन से दोस्त जो है स्थित
ठीक है, यहाँ पे दोष हो जाएगा। ठीक है, कौन से दोष? स्थित स्थान पूर्वी पश्चिमी गिलियारे से जुड़े हुए हैं, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सिलचर तथा पोरबंदर। ठीक है, याद रखेंगे सिलचर तथा पोरबंदर, इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न 101 नंबर है कि बेल्जियम में कौन सी भाषा बोलने वाले बहुत असंख्यक है। मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि बेल्जियम में जो है सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा कौन सा है, तो याद रखना है डच भाषा होती है। ठीक है, ये कई बार आप लोगों को मैंने बताया हुआ है। अगला सवाल देखिए, 102 नंबर दी गई कि बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स 80% लोग किस भाषा का प्रयोग करते हैं, तो याद रखना दोस्तों डच भाषा का। अगर आपका बेल्जियम डायरेक्ट कह दिया जाए कि बेल्जियम में कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है, अधिकतर कौन सी भाषा बोली जाती है, तो आपको याद रखना है कि वहाँ पर जो है लगभग 80% जो है लोग जो है वो डच भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, 101 नंबर 102 नंबर जो है काफ़ी ईजी है, इसको आप लोग याद रखेंगे, दोनों का आंसर जो है डच ही होगा। अगला प्रश्न जो है 103 नंबर दिया गया कि शिक्षा वन मजदूर संघ विवाह, ठीक है, यहाँ पे क्या है, शिक्षा वन मजदूर संघ विवाह गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे विषय की सूची किस महत्वपूर्ण विषय है, तो ये सभी जो है समवर्ती सूची में आते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, समवर्ती सूची हो जाएगा। अगला प्रश्न 104 नंबर दिया कि उत्तरी आयरलैंड, ठीक है, उत्तरी आयरलैंड में 44% रोमन कैथोलिक का प्रतिनिधित्व कौन सी पार्टी करता है, इसका आंसर आएगा नेशनलिस्ट पार्टी जो है इसका नेतृत्व करता है। ठीक है, इसको आप लोग कॉपी में नोट करके इसको अच्छे से जो है याद कर लेना है। अगला प्रश्न 105 नंबर दिया गया कि एक सीढ़ी नुमा रचना जिसमें सभी जाति समूहों को उच्चतम से निम्नतम के रूप में रखा जाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं जाति पदानुक्रम, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, जाति पदानुक्रम। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बोलीविया की सरकार ने कोचबंबा, ठीक है, कोचबंबा शहर में जलापूर्ति का अधिकार किसे बेच दिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बहुराष्ट्रीय कंपनी। ठीक है, अगला प्रश्न है राजनीतिक दल का कार्य होते हैं, तो देखिए दोस्तों ये जो है ना सब्जेक्टिव में दो नंबरिया में भी पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव में जो है ना ऑप्शन में आपको भी दिया जाता है, तो याद रखना है कि राजनीतिक दल के कार्य क्या क्या होते हैं, तो जनमत का निर्माण करना, नागरिकों को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करना और चुनाव लड़ना जो है, ये सभी जो है राजनीतिक दल के कार्य होते हैं, तो इसको आप लोग जो है याद कर लीजिए। अगला प्रश्न 108 नंबर दिया गया कि व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए सबसे अच्छी सरकार है, तो इसका आंसर आएगा कौन सा, लोकतंत्र सरकार है। ठीक है, इसको आप लोग रख लीजिए। अगला प्रश्न है 109 नंबर कि अक्टूबर 2005 में भारत सरकार द्वारा कौन सा कानून लागू किया गया था, तो इसका आंसर होगा दोस्तों सूचना का अधिकार अधिनियम जो है 2005 को लागू की गई थी। ठीक है, इसको याद कर लीजिए। अगला प्रश्न 110 नंबर है कि समवर्ती सूची के किस विषय पर केंद्र और राज्य के बीच विवाद होने पर किसका कानून लागू हुआ, तो इसका आंसर आएगा केंद्र सरकार का जो है कानून लागू हुआ है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, दिया गया है 111 नंबर कि लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा अशिक्षा जो है लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी जो है बाधा है। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लीजिए। अगला सवाल दिया गया कि विदेश जिनकी 2017 के प्रति व्यक्ति आय $12,056 प्रति वर्ष या उससे अधिक है, तो वह देश की श्रेणी के अंतर्गत आएगा, तो दोस्तों वह जो देश होगा वह विकसित देश की श्रेणी में आएगा। ठीक है, याद रखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, विकसित हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व में प्रत्येक देश के प्रति व्यक्ति आय किस मुद्रा में मापी जाती है, तो सभी की जो प्रति व्यक्ति आय है वो डॉलर में मापी जाती है, याद रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा डॉलर। अगला सवाल है कि कृषि डेयरी खेती किस क्षेत्र से संबंधित गतिविधियां हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यह सभी जो है प्राथमिक क्षेत्रक में आते हैं या प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां है, तो ऑप्शन यहां पे तो दिया नहीं है लेकिन इसको याद रख लेना है प्राथमिक। ठीक है, अगला प्रश्न 115 नंबर दिया गया कि बैंकों के लिए आय का प्रमुख स्रोत क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा कर्जदार और जमा करता। ठीक है, यहां पर जाएगा जमा करता, इसको याद रखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा जमा करता पर लगाए गए ब्याज के बीज का अंतर। ठीक है, ब्याज के बीज का अंतर जो होगा वो बैंकों के लिए आय का प्रमुख स्रोत होता है। ठीक है, इसको आप लोग जो है याद कर लीजिए। अगला सवाल देखिए 116 नंबर दिया गया कि कौन सा प्लास्टिक मुद्रा का उदाहरण है,
तो इसका आंसर जाएगा क्रेडिट कार्ड जो है यह एक मुद्रा का उदाहरण है। ठीक है, अगला सवाल 117 नंबर है कि विश्व की सबसे मोटी या बड़ी कह सकते हैं, यहाँ पे मोटी नहीं होगा, बड़ी होगा, क्योंकि कई ऐसे एग्जाम में क्या होता है कि सवाल को थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को मोटी वहां पे प्रयोग किया जाता है, इसलिए मैंने देखा था ये क्वेश्चन, इसलिए दोस्तों मैं मोटी बोल दिया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि विश्व की सबसे बड़ी मोटर गाड़ी निर्माता कंपनी जो है कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्ड्स मोटर्स हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, फोर्ड मोटर्स। अगला प्रश्न 118 नंबर है कि फोर्ड मोटर कंपनी ने अपना पहला प्लांट कहां पर जो है लगाया था, कहां लगाया था, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा चेन्नई में। ठीक है, तो ऑप्शन तो है नहीं, इसको आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ऑप्शन वाला था ना, इसलिए मैं कंफ्यूज हो जाता हूं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 119 नंबर दिया गया है कि मुद्रा का प्राथमिक कार्य है, तो मुद्रा का प्राथमिक कार्य होता है वस्तु का विनिमय या विनिमय का माध्यम। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे, मुद्रा का प्राथमिक कार्य होता है विनिमय का माध्यम। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारतीय मानक संस्थान का मुख्य कार्यक्रम कहाँ है, या कार्यक्रम कहाँ है, या कार्यालय कहाँ है, आपके जो है आपका जो आप देख सकते हैं कि वहाँ पे समुद्रन वाला में क्या है कि यहाँ पे जो है ना कार्यक्रम दे दिया है, और इसमें क्या है कि आपको यहाँ पे दिया जाएगा कार्यालय। तो याद रखना है कि भारतीय मानक संस्थान का जो मुख्य कार्यालय है वह कहाँ है, दिल्ली में है। ठीक है, याद रखेंगे कहाँ है, दिल्ली में है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने जो आप लोगों को 40 क्वेश्चन बताए हैं, यानी कि आप लोगों को जो है 81 से लेकर 120 तक जो आप लोगों को सवाल बताए हैं, इन सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से रट लीजिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट जो है वीडियो आपका जो है पार्ट 4 आने वाला है, जस्ट इसके बाद आप लोगों का अपलोड किया जाएगा, इसको भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा और उसको पूरी तरह से आप लोग जो है तैयार कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में इसी में से आपका जो है 100% जो है 40 क्वेश्चन आपके गारंटी के साथ कहूंगा आने वाला है, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। टोटल मैं 200 क्वेश्चन बताने वाला हूं, 200 में से आपका 100% है, 40 क्वेश्चन जो आपका 100% टच होगा, बशर्ते आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी और इसको आपको याद करना होगा। ये नहीं कि हम सिर्फ इसको देख लिए याद नहीं किया, आपको याद हर हाल में करना होगा। चलिए दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, वीडियो को लाइक अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लीजिएगा।